हेलो चेस एंथुसियास्ट, आई हूं अभिषेक गुप्ता और आज है हमारा डे 38 ऑफ 75 हार्ड चेस चैलेंज। तो पहले हमने कर ली जेरेमी सिलमन्स एंड गेम बुक प्रिपरेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे आप किंग क्वीन और किंग पॉन से गेम को ड्रॉ के इंस्टेड जीत सकते हो अगर आपके पास क्वीन है तो, यानी कि आपके पास मटेरियल एडवांटेज है तो आप जीत कैसे सकते हो और आपको ड्रॉ कैसे करना है अगर नहीं है तो। फिर हमने चेस के कुछ गेम्स खेल लिए। गेम्स पे आज की रेटिंग के पॉइंट्स हमारे रहे -11, तो हमने 11 पॉइंट्स लूज किए, बट कोई बात नहीं, गेम्स तो काफ़ी अच्छे खेले ऐसे लगा मुझे, बट ब्लंडर्स भी काफ़ी किए। ये वाला गेम मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये गेम में मैंने बहुत ही अग्रेसिव खेला, नाइट को सैक्रिफाइस करने का ट्राई किया, बट देन वो एक ब्लंडर में हो गया और क्वीन एक्सचेंजेस हो गई, इसलिए गेम तो लॉस्ट हो गया। फिर हमने किए पजल्स सॉल्व, पजल्स हमने किए लीचेस पर। पजल्स में हमारे मॉडरेटी रहे आज भी, बट बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है कि पजल्स हमारे बढ़ ही नहीं रहे, ना कुछ प्रोग्रेस ना कुछ, बस चल ही रहे ऐसा वाला। तो मैंने सोचा है कि हम करेंगे इंस्टा पर स्ट्रीम जिसमें हम पजल्स को रेटिंग 2200 तक पहुंचाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमने कर लिया बॉबी फिशर My60 मम्मा रूबल गेम का एनालिसिस। उसमें हमने देखा कि बॉबी फिशर ने कैसे पहले तो किंग के साइड को डिप्लॉयड कर दिया विथ अपना अपोजिट साइड कासल के साथ, जो कि बहुत अग्रेसिव होता है, और इसी के साथ फिर उन्होंने पॉन पुश करके वेन कर लिया गेम को। सो यो वी कंप्लीट द हाफ चैलेंज एंड यो 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 यो, 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 यो।